तो गाइस ये है गगन बावड़ा जिसके लिए हमने इतने खड्डे झेले और यहाँ पे मुझे उड़ाना था ड्रोन, लेकिन हवा देख रहे हो आप कितनी चल रही है, इसमें ड्रोन उड़ के किधर चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ नसीर, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है फिर से। और आज है सैटरडे, सुबह के बजे 8:30, निकलने वाला था मैं 7 बजे, लेकिन यार मन ही नहीं कर रहा था निकलने का। धीरे 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 करके 8:30 बज चुके हैं और हमको जाना है पुणे। पुणे यहाँ से कुछ है 375 किलोमीटर्स और 7.5 घंटा बता रहा है। बाकी नज़ारा देखो यार, ये मिस करूँगा मैं, बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगा ये सब व्यूज़ को मैं। ये वाला ट्रिप एकदम लाजवाब था, मतलब एकदम पीसफुल ट्रिप था, पब्लिक कम, बीचेस ब्यूटीफुल देखे मैंने, जगहें ब्यूटीफुल देखी, अनएक्सप्लोर्ड सब देखा मैंने, मज़ा आ गया। और लास्ट टाइम अभी जब हम सातारा से देवगढ़ आए थे तब हमने लिया था राधा नगरी वाला रास्ता। आपने देखा था ना कितना ब्यूटीफुल था, पूरा घाट एरिया और फील्ड्स थे बाजू में। तो इस टाइम हम लेने वाले हैं गगन बावड़ा का रास्ता। गगन बावड़ा का रास्ता शॉर्टकट है और राधा नगरी गूगल पता नहीं घुमा के बहुत लेके आई थी, लेकिन अच्छा था वो रास्ता, मज़ा आया था। तो गगन बावड़ा भी वैसा ही है, पूरा घाट एरिया, रास्ता अच्छा है, तो वहाँ के नज़ारे देखने मिलेंगे अच्छे वाले आप लोग को। तो बस इंतज़ार करो अभी थोड़ा, तो वहाँ पे जाके चिड़िया उड़ाएंगे और चिड़िया के थ्रू आपको नज़ारे दिखाएंगे। ये रोड देखो यार, क्या ज़बरदस्त रोड है, इतने लंबे लंबे झाड़। पता नहीं मेरे को, मतलब इतना ऑब्सेशन हो गया ना ऐसे रोड से, कि जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े झाड़ रहते हैं उसके बीच में से रोड जा रहा होता है ना, वो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। ठीक है, 1 घंटा हो चुका है, 50 किलोमीटर कवर कर लिए है हम। बाकी ये साइड जो है ना, मतलब महाराष्ट्र का, बहुत ब्यूटीफुल है। हम लोग के मतलब वो मैं जहाँ पे रह रहा था वहाँ पे भी ऐसे आँखों के सामने ईगल्स उड़ रहे, ईगल्स, सीगल्स, फिर वो बगले, फिर किंगफिशर देखे, कितने सारे किंगफिशर मैंने लाइफ में नहीं देखे। मतलब सामने ही पोल है, पोल पे आके बैठते हैं, तो एकदम लाजवाब नज़ारे। और अभी देखो ये पत्ते उड़ रहे हैं मस्त, ऐसा पूरा ऐसा पूरा मूवी का सीन लग रहा है। बस ये नहीं पसंद, ऐसे रास्ते नहीं पसंद हम, वो ख़राब रास्ते नहीं होने चाहिए, एकदम मक्का। अरे वाह। और आपको भी मेरे आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा पिछले वाले ब्लॉग में और ये ब्लॉग में, क्योंकि हमारा जो माइक का कवर है ना, माइक पे वो फोम का कुछ तो कवर रहता है, ठीक है, वो गिर गया। कहाँ गिरा, कब गिरा वो कुछ पता नहीं। आज सुबह हेलमेट पहन रहा था तो देखा कि वो कवर नहीं है, तो माइक खुला पड़ा, एकदम नंगा माइक है, तो विंड नॉइज़ शायद से थोड़ा आ सकता है, पता नहीं। अभी मैं एडिट करूँगा तब मेरे को पता चलेगा कि कैसा वॉइस आ रहा है इसमें, जो भी है थोड़ा सहन कर लेना आप लोग। अभी तक का रास्ता बहुत ही ख़राब था, लेकिन अभी ये घाट एरिया चालू हुआ ना, रास्ता एकदम मक्खन है, ब्यूटीफुल है, देख सकते हैं आप लोग, मज़ा आ गया मतलब। अरे गगन बावड़ा का घाट चालू हो चुका है, गगन बावड़ा कुछ 8 से 10 किलोमीटर है अभी यहाँ से। अभी तक कैसा सीन हो रहा था कि जब आप अपने क्रश को मैसेज करते हो तो कैसा होता है, मैसेज सेंड होता है, सिंगल टिक आता है, ठीक है, उसके बाद डबल टिक आता है जब मैसेज डिलीवर होता है, तो खुशी मिलती है, अरे वाह मैसेज डिलीवर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लू टिक में बदल जाता है, डबल टिक जो रहता है वो ब्लू टिक में बदल, मतलब मैसेज सीन, मैसेज देख लिया है, ठीक है, तो और ज़्यादा खुशी होती है, एकदम एक्साइटमेंट होता है, हार्ट बीट्स एकदम हाई हो जाते हैं, मज़ा आता है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद उनका डीपी दिखना बंद हो जाता है, उसका मतलब आपको ब्लॉक कर दिया।
समझ रहे हो। तो कैसी ऐसा मतलब एकदम हाई पे जाके कैसा लो पे आ जाते हैं डिप्रेशन वाला फीलिंग, वैसा ही हो रहा था मेरे को। मतलब एकदम मस्त रास्ते थे और फिर अचानक से खड्डे वाले रास्ते, एकदम दुखी हो गया था मैं, सैड हो गया था। बाइक को कुछ तो हुआ है, आज भाग नहीं रही है, पेट्रोल पे गपा गप खत्म हो रहा है, चेक करवाना पड़ेगा घर जाके बराबर का। क्या खतरनाक हवा आ रही है, मतलब बाइक भी एक साइड को मतलब ऐसा झुक रही है, इतनी खतरनाक हवा है। गाइस ये है गगन बावड़ा जिसके लिए हमने इतने खड्डे झेले और यहाँ पे मुझे उड़ाना था ड्रोन, लेकिन हवा देख रहे हो आप कितनी चल रही है, इसमें ड्रोन उड़ के किधर चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा, उड़ेगा ही नहीं। पहले तो हाई वेलोसिटी का ये दे देता है, वो सिग्नल दे देता है, पर क्या करें अब मस्त हवाएं चल रही है तो उसका ही आनंद उठा लेते हैं। ड्रोन शॉट्स लेने थे तो हवा बंद होगी तो ले गया, तो फिर किधर आगे जाके लेते हैं देखते हैं। बाकी मज़ा आ गया भाई, इतने खड्डे झेले, अभी यहाँ पे बैठ के हवा का लुफ्त उठा के सीन हो गया। हवा में चिड़िया उड़ गई, वाट लग गई, ये देख रहा है ड्रोन डिसकनेक्टेड और पता नहीं कहाँ जाके लैंड हुआ है। मैं रिटर्न जा रहा हूँ अभी, देखते देखते अगर नसीब रहेगा अच्छा तो मिल जाएगा, वरना गया आज। ड्रोन से हाथ धो बैठे भाई हम, वाट लग गई यार, नहीं उड़ाना चाहिए था, नहीं उड़ाना चाहिए था इतनी हवा में। अभी यहाँ पे अगर नीचे खाई वाई में गिरा रहेगा तो ख़त्म है, फिर कहाँ ढूंढूंगा मैं यार। शिट हो रहा है अभी यार, हवे में ऐसे दूर 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 जा रहे, नजदीक बुला रहा हूँ आ ही नहीं रहा, दूर 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 जाते जा रहे, जाते ही जा रहे, खत्म हो गई जिंदगी फिर उसकी। तो ये सब रास्ते वापस से ऊपर चढ़ना पड़ेगा मेरे को, ड्रोन मिलने वाला तो है नहीं, वो तो फिक्स है, लेकिन एक रहती ना आशा रहती है अंदर यार, वो आशा के लिए मैं जा रहा हूँ। अगर गलती से रास्ते पे लैंड हो गया रहेगा तो कोई गाड़ी वाड़ी चल के गई रहेगी, कुछ नहीं मेमोरी कार्ड तो मिल जाए। आज सुबह भी शॉट्स लिए थे, अभी के भी शॉट्स थोड़े अच्छे आए, क्या मतलब क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ। तो गाइस इस तरीके से हमने जो हमारा ड्रोन है वो गगन बावड़ा में ऐसा घुमा दिया, मतलब घूम गया हमारा ड्रोन वहां पे। तो दुख तो बहुत हुआ, दुख के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन भी हुआ, और मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत गुस्सा भी खुद पे बहुत आ रहा था कि क्यों उड़ाया, नहीं उड़ाना चाहिए था, थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए था। तो बहुत गुस्सा था, तो मूड ऑफ था पूरा। तो उसके वजह से मैंने ये सीन के बाद कुछ व्लॉग नहीं किया, और फिर मैं वहाँ से निकला और डायरेक्ट पुणे गया। और फिर अभी जब एडिट करने बैठा था, रियलाइज़ हुआ कि मैंने हमारी जो फीलिंग्स है वो आप लोग के साथ शेयर नहीं किए और व्लॉग एंड नहीं किया है। तो फिर मैं अभी घर पे बैठा हूँ शूट करने के लिए। बेडरूम देख के आप लोग को समझ में आ ही गया रहेगा कि मेरा घर पे बैठा हूँ शूट कर रहा हूँ वो सब, ठीक है, आप इतने स्मार्ट हो मुझे पता है। बाकी दिमाग में कि मतलब ऐसा सवाल चल रहा था कि क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, मतलब क्या ऐसा हो गया था, मतलब क्यों हो गया ऐसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब एक एक पाई पाई जोड़ के, मतलब खून पसीने की मेहनत से मैंने मेरा ये ड्रोन लिया था, बहुत सोचने के बाद लिया था ऊपर से, मतलब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था वो टाइम पे, तो लिया मैंने। और फिर उसको रखा भी अच्छे से था मैंने, मतलब टाइम टू टाइम उसको चार्ज करना, फिर टाइम टू टाइम उसको बाहर घुमाने लेके जाता था मैं, थाईलैंड तक लेके गया था मैं उसको, थाईलैंड तक, ठीक है, वो भी रिस्क लेके, मतलब वहाँ पे पता नहीं था कि कैसा है, रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है वहाँ पे भी। मैंने उसको उड़ाया था, नज़ारे दिखाए थे ऊपर से थाईलैंड के, सब सब किया था उसके लिए, इतना सब कुछ किया मैंने उसके लिए, लेकिन एक हवा का झोंका आया मस्त वाला, तो उसके साथ निकल लिया वो, ये सब भूल गया और उसके साथ निकल लिया, ठीक है।
क्या कर सकते हैं अभी, डेमोक्रेसी है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जिसको जो करना है वो कर सकते हैं। उसको भाई जाना था हवा के साथ तो निकल लिया वो, अभी हम तो कुछ कर नहीं सकते। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, खुश हो अपने लाइफ में, मज़े कर रहे हो लाइफ में, तो ऐसा ऊपर से मतलब लाइफ बैठे बैठे देख रही होती है कि भाई ये बहुत मज़े ले रहा है, बहुत खुश हो रहा है, ठीक है, बहुत मचा रहा है अपनी ज़िंदगी में, तो इसके ज़िंदगी में थोड़ा ऐसा दुख का तड़का फेंक के मारते हैं, ठीक है। अब मैं भी खुश था, मतलब इतने टाइम के बाद एक अच्छे से बड़े वाले रोड ट्रिप पे निकला था, मैं बहुत खुश था, रिटर्न आ रहा था घर पे रोड ट्रिप ख़त्म करके, तो खुशी मतलब मेरी ऐसी समा नहीं रही थी मेरी बॉडी के अंदर। तो लाइफ ने देखा भाई ज़्यादा खुश हो रहा है, चलो अभी इसको थोड़ा दुख देते हैं, ड्रोन घुमा देते हैं इसका, ऐसा तड़का मारा दुख का, ड्रोन घूम गया मेरा, दिवाली पे मेरा दिवाला निकल गया, बहुत दुख हो रहा है, मतलब अभी तक हो रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, ठीक है, क्या कर सकते हैं, लाइफ है, ऐसा होता है और हर बार होता है मेरे साथ, मतलब अभी आदत सी हो गई है मेरे को, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं गया था हिमाचल प्रदेश, तो और वहाँ से रिटर्न आ रहा, तो ऐसा ही एक बड़ा कांड हुआ था मेरे साथ, और क्या कांड हुआ था वो मैं बता नहीं सकता अभी, क्योंकि कैसा है कि वो कांड इतना बड़ा है ना कि अगर अभी मैंने बता दिया ना तो जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है ना वो बंद हो सकता है, मतलब बताऊँगा मैं लेकिन अभी नहीं बता सकता। कैसा 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए ना उसके बाद बताऊँगा, क्योंकि तब भी कैसा कि 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, यूट्यूब चैनल अच्छा खासा चल रहा है, तो कोई बंद नहीं करवा सकता, लेकिन अभी कैसा अभी 5,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए, तो कोई भी मतलब समझ रहे हो, मतलब ऐसे एनर्जीज रहती है आजू बाजू में, ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज, कुछ भी बोला, वो कैसा कि आके जैसा थप्पा मार के चले जाएंगे यूट्यूब चैनल पे हमारे, और बंद हो जाएगा, फिर हम लोग ये सब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, आपका भी नुकसान हो जाएगा, आपको भी ऐसे मेरे मस्त अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने नहीं मिलेंगे। तो बस अभी फिलहाल तो एक ही दुख है कि अभी फ्यूचर व्लॉग्स में आप लोग को ड्रोन शॉट्स देखने नहीं मिलेगा, और आपके साथ साथ मुझे भी देखने नहीं मिलेगा, मतलब मुझे भी आदत सी हो गई थी, मुझे पता है बहुत सारे लोग वीडियो में ड्रोन शॉट्स देखने के लिए आते हैं, उन लोग को वो ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा सहन कर लो यार, मैं भी सहन कर रहा हूँ, मुझे भी आदत सी हो गई थी अभी, मतलब नज़रों से तो दिखता है खूबसूरत, समझ में आता है मेरे को कि भाई जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत मस्त है, लाजवाब है, ठीक है, लेकिन जैसे ड्रोन उड़ाते ना और ऊपर से नज़ारे देखते ना, तो मतलब दिमाग फटके बाहर आ जाता है, मतलब ऊपर से क्या दिखता है यार, दुनिया पूरी ऊपर से क्या मस्त दिखती है, मतलब वो समझ में आता है, ठीक है। तो अभी वो ड्रोन नहीं है तो वो नज़ारे नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन थोड़ा सहन कर लो, मैं भी सहन करूँगा, और ऐसे ही प्यार मोहब्बत बरसाते रहो हमारे ऊपर, तो बहुत जल्द हम नया ड्रोन ले लेंगे, और इस टाइम अच्छा वाला लेंगे जिसका बैटरी लाइफ भी अच्छा हो, और उसके वजह से हम थोड़ा कंटेंट भी ज़्यादा बना पाएंगे, शॉर्ट्स भी ज़्यादा ले पाएंगे, और क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, तो बस सपोर्ट करते रहो। और आप लोग को भी अगर दुख हो रहा है, मेरे को तो दुख हो रहा है, आप लोग को भी दुख हो रहा है, तो ऐसा हम दोनों का दुख मिल जाएगा, सिर्फ एक लाइक कर दो, 1 लाइक इज इक्वल टू 1 प्रेयर फॉर, मतलब मुझे हिम्मत मिलेगी एक लाइक से, और मेरा जो ड्रोन है वो जहाँ कहीं पे भी रहेगा खुश रहेगा, मतलब उसके लिए प्रार्थना करो कि जिसको भी मिले उसको अच्छे से रखे, जैसे मैं रखता था वैसे ही रखे, अब क्या करेगा उसके साथ पता नहीं, रिमोट सब मेरे पास है, चार्जर मेरे पास है, उसको मिलेगा अगर तो उसके साथ ऐसी हवा में फेंक के उड़ा के खेलेगा, या तो फिर किसी को मिलेगा ही नहीं, उधर ही पड़ा रहेगा बारिश में धूप में सड़ते रहेगा उधर ही, अभी जो उसके नसीब में है वो है, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो बस बाकी ज़्यादा दुख हो रहा है तो कमेंट्स में भी आप अपना दुख बयां कर सकते हो, किसी मतलब ऐसा रोक तो कुछ नहीं है, कमेंट करो बढ़िया वाला, कुछ नहीं बाकी। और नए हो चैनल पे और आगे की जर्नी देखनी है मेरी, ऐसे ट्रैवल रिलेटेड बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, और बिना ड्रोन के आएंगे अभी तो फिलहाल, और नया ड्रोन लेंगे उसके बाद ड्रोन शॉट्स के साथ आएंगे, ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, व्लॉग्स आते रहेंगे, तो वो देखने हैं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे, और आप मेरे एक भी वीडियो को मिस ना करो, फ्यूचर वाले वीडियोस जो भी आने वाले उसको, एंड बस इतना ही है, तो फिर सब बढ़िया, बाकी तो अभी तो घर पे हो, अभी नया रोड ट्रिप, अभी आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तो नए रोड ट्रिप पे रहूँगा मैं, उसके भी व्लॉग्स बहुत जल्दी आएंगे, और जब लाइव अपडेट्स चाहिए आप लोग को कि कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, क्या, वो सब इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में आते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ठीक है, बाकी वो सब बढ़िया है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खाओ पियो घूमो और ऐश करो, ठीक है, लेकिन कचरा मत करो, टाटा बाय बाय।